हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हो कि सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज है सैटरडे मॉर्निंग और मॉर्निंग के आफ्टरनून हो गया है। मैं और परी गए हैं आज डेट पर। एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें करनी थी, तो सबसे पहले तो करनी है गाड़ी पार्क। और परी की खुशी आप देख रहे हो ना, इसकी नौटंकी या समझ के क्या करवाने जा रहे हैं। यस, आज हो रहा है परी का हेयर कट। तो यहाँ पर एक सर है, मैं पहले उनसे मिलने गई, फिर हम गए थे परी का हेयर कट करवाने के लिए। और वहाँ पर अभी एक्चुअली काफ़ी अच्छा उन लोगों ने ना ऑफ़र निकाला हुआ है, कैरेटीन स्मूदिंग कलर सब, आई थिंक 1500 या 2000 का ऐसा कुछ ऑफ़र निकाला हुआ है। तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, तो उन्होंने बोला मैम 1 घंटा लगेगा। तो फिर हम लोगों ने सोचा चलो तब तक जो है ना शॉपिंग कर लेते हैं। तो हम आ गए थे मॉल, क्योंकि G3S Sector 11 रोहिणी में है, यहीं पर है वो सलून जहाँ हमें जाना था, और साथ में ही मॉल है। तो हम लोगों ने अपने दोनों काम कर लिए, शॉपिंग कर ली, और परी ने लिए हैं ये बनी, क्यूट से बनी। तो ये लिया, कुछ घर का जो थोड़ा बहुत सामान है वो लिया, और दोपहर हो रखी थी, एक बजे के आसपास का टाइम था। तो फिर हम लोगों ने थोड़ा सा ना स्नैक्स लेने का भी मन कर रहा था, तो फिर कोकोनट वाटर से बेटर कुछ नहीं लगा, तो मैंने ले लिया कोकोनट वाटर। क्योंकि मैं चल रही हूँ अपनी वेट लॉस जर्नी पर, तो मतलब ऐसा नहीं है कि वो भूखे मरने वाली कर रही हूँ मैं, लेकिन हाँ हेल्दी ईटिंग पे जा रही हूँ। तो ये क्लिप तो आपको बहुत पहले की है, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा है। मैंने एक्सरसाइज भी कर रही हूँ, जिम ज्वाइन किया है, 4 दिन हो जाता है। हेलो गाइस, निकल निकल आई हूँ। दिखाना पीछे से, बैक दिखाओ 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 तो सही। हेलो गाइस, मैं आज की दिन ट्रेंड की लाई हूँ। आई एम सो हैप्पी। चल ठीक है, तुम मेरे पीछे वाले कर लो। हाँ कर लिया कर लिया, ठीक है। आगे वाले का भी ले लिया। तो परी ने ऑलरेडी अपना जो हेयर स्टाइल है वो डिसाइड किया हुआ था, और उसको बिल्कुल है ना जैसे हम जो लेते हैं ना वो वाली उनको फीलिंग्स लेनी थी, कि मतलब पता नहीं उसको जैसे कौन सा अलग सा ट्रीटमेंट मिल रहा है। बहुत ज़्यादा खुश थी। और जो ये हैं भैया और ये यहाँ पर जो भी है स्टाफ है, सब बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे हैं। मैंने अपना हेयर कट इन्हीं से लिया था, तो इन्होंने परी का बहुत ही अच्छे से ट्रीट किया, मतलब जैसे बच्चों को करते हैं ना बिल्कुल बहुत ही अच्छे से। और जैसे वो उसको फील हुआ कि हाँ पता नहीं मैं कुछ स्पेशल हूँ। तो उसने बोला था कि मुझे हेड वॉश भी वहीं पे करवाना है। मैंने घर पे पूछा था परी से कि मैं हेड वॉश कर दूँ, तो उसने मना किया। उसने बोला कि नहीं मुझे जो है वहीं पर हेड वॉश करवाना है। तो वो उन्होंने उसकी जो है ना पिक भी ली थी और वीडियोज़ भी शूट की थी। तो मैडम ने पूरा अपना VIP ट्रीटमेंट लिया। जो ये सर है ना, इन्होंने बहुत ही अच्छे से मतलब वॉश के ऐसे नहीं कि बस जस्ट लिया और कर दिया बच्चा है, तो नहीं बहुत अच्छे से उसका हेड वॉश किया, और फिर जैसे टाल में लपेट कर गए, और जैसे हम लोग करते हैं ना सेम टू सेम वैसे ही था। और परी को बहुत खुशी हुई। तो मतलब छोटी छोटी चीज़ें होती है, कई बार बच्चों को ना स्पेशल फील करवाती है, और हैप्पीनेस तो आप देख ही रहे हो। तो कई बार ये चीज़ें ना हम मिस कर देते हैं, बट ये सच में बहुत मतलब एक वही बातें वैल्यू ऐड करती हैं। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा परी का करवा करके, जितना वो खुश थी उतना ही मैं भी थी। तो मतलब एक छोटा सा मतलब एक छोटी सी चीज़ है, लेकिन बच्चों के लिए वो कितनी बड़ी हो जाती है ना, कि मतलब वो गए हैं, उन्होंने वो सब सब चीज़ें की जो मम्मी करवाती हैं, तो मतलब उनको बहुत अच्छा फील हो रहा था। तो मैं बोलूँगी बच्चे कई बार ऐसा डिमांड करते हैं या जिद करें कुछ भी करें, तो मतलब होना चाहिए कुछ ना कुछ उनके लिए भी स्पेशल होना चाहिए। आप देख रहे हो उसकी खुशी, और मैंने ना इसकी छोटे छोटे वीडियोज़ भी जो है ना ली है, तो मैं देखती हूँ अगर टाइम मिला तो उसका शॉर्ट्स भी डालूंगी आप लोगों के लिए इसकी। और उसके बाद इसने जो अपना हेयर कट है 2-3 दिन से ना लगातार लगी हुई थी कि मुझे ये वाला हेयर कट करवाना है, तो ये लेयर में ही करवाया है इसका, ज़्यादा शॉर्ट नहीं करवाया। इससे क्या हुआ कि लेयर में इसके जो बेकार वाले बाल थे ना वो भी निकल गए, और बालों का जो स्टाइल है वो भी हो गया। इसको एक्चुअली थोड़े से छोटे चाहिए थे, बट वो थोड़े बड़े में रह गए। मैंने इसको ज़्यादा छोटे नहीं करवाए, क्योंकि 1-2 महीने बाद फिर से मुझे इसका जो है एक बार हेयर कट करवाना है। बट लेकिन अब जो बाल है ना मतलब वो अच्छे लग रहे हैं, जैसे बाल उलझ नहीं रहे हैं, और बालों का टेक्स्चर वो भी इम्प्रूव हो गया है, तो कटिंग से काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और इसका जो लुक है वो तो चेंज हुआ ही है, इससे पहले आई डोंट नो मैंने कब इसका हेयर कट किया था, काफ़ी पहले किया था, तो काफ़ी सारा जो है हो गया। तो सैटरडे तो हमारी है ना मतलब इसी चीज़ में जो है ना निकल गया था पूरा, कटिंग वगैरह करवाने में ही।
आज का सैड पार्ट ये था कि जो रैबिट्स है हमने उनको दे दिया, क्योंकि हम लोग को जाना है तो अभी भी मतलब कहीं बाहर इधर उधर जाना है, 3-4 दिन के लिए जा रहे हैं, तो फिर उनको ऊपर नीचे कहीं दे के जाना पड़ता है, तो वो हमारे साथ साथ मतलब दूसरों को जिसको दे के जाते हैं उसको भी प्रॉब्लम होती है, तो फिर हमने परमानेंटली इसको दे दिया। जो भैया आते हैं गार्बेज लेने के लिए उनको दे दिया, उन्होंने बोला कि वो काफ़ी अच्छे से रखेंगे, उनका घर काफ़ी बड़ा है, मिट्टी भी है वहाँ पर, तो उनको दिया है मैंने सारा उसका, उनका फूड सप्लाई वगैरह सब कुछ बता करके अच्छे से उनकी कैसे केयर करनी है, तो देना पड़ा। बट ये देख सकते हो ना आप, मतलब परी को बहुत, और ये वाला तो स्ट्रॉबेरी था, ये तो परी का फेवरेट था, मतलब जो ब्लैक एंड वाइट था उसका नाम स्ट्रॉबेरी था, और परी को मतलब बिल्कुल ऐसे बच्चों के जैसे कि मेरे बच्चे क्यों दे दिए, बहुत मुश्किल से मानी है, उसको मनाया है, और अब भी मतलब 1 मंथ हो चुका है इनको दिए हुए, लेकिन आज भी वो मतलब मिस करती है, बीच में बोलेगी कि भैया को बोलो लेके आए, बट वो पॉसिबल नहीं है कि बार बार उनको इधर उधर ले करके जाएँ, तो हाँ ये सैड पार्ट था आज का, बट क्या करें, ये भी करना ही था। और नेक्स्ट डे फिर मॉर्निंग में, संडे को बारिश हो गई थी दिल्ली में, और हम लोगों का मन था कि एग परांठे खाए जाए, बट आसपास हमें कहीं कुछ ऑप्शन नहीं मिला एग परांठे खाने के लिए, मसूरी तो जा नहीं सकते क्योंकि वहाँ पे जो मसूरी के माल रोड पे ना भैया बहुत ही अच्छा एग परांठे बनाते हैं, तो वो याद आ रही थी, तो फिर बारिश हो गई थी, तो विनोद ने बोला कि चलो बाहर अपना चेयर लगाते हैं और वहीं बैठ के अपना जो है ना मज़ा लेते हैं, बारिश हो रही है, मसूरी की फील आ रही है, एग परांठा मैंने बना दिया है, चाय और मौसम वैसा सा ही हो गया, तो काम चल गया, क्योंकि कई देर तक हम वही था कि हम चलो थोड़ा सा मूर्थल चले जाते हैं या थोड़ा बाहर चले जाते हैं, बट फिर वो मन नहीं हुआ कि नहीं इतना भी नहीं है कि बाहर जाए, अपना घर पे ही काम चला लेते हैं, तो वेदर काफ़ी अच्छा हो गया था संडे मॉर्निंग में, और बस फिर बालकनी में बैठ के हम लोगों ने थोड़ा सा अपना एक परांठा को इंजॉय किया, मौसम को इंजॉय किया, थोड़ा सा फैमिली टाइम स्पेंड किया, और संडे मॉर्निंग काफ़ी अच्छे से गई, तो मैंने पहले सबको खिला दिया था, उसके बाद विनोद ने जो है ना मेरे लिए बना दिए थे, तो फिर मैंने भी बाहर बैठ के ही आराम से इंजॉय किया, और ये विनोद बना रहे हैं एक पराठा और साथ में चाय भी बनाई थी, तो विनोद नीरू ने शूट कर लिया इस बनाते हुए, तो अच्छा लगता है ना कभी कभी, मतलब ऐसी ये सब चीज़ें तो होनी चाहिए, एक स्पेशल तो फील होना ही चाहिए, तो अच्छा लगता है कि विनोद ने वही बोला कि अब मैं खिलाता हूँ गरम गरम, तो संडे मॉर्निंग भी बन गई, सैटरडे भी काफ़ी अच्छा गया था, संडे भी अच्छा गया, तो एक सैटरडे संडे का जो एक फैमिली टाइम है ना वो बहुत ही अच्छे से स्पेंड हुआ, और फिर पूरा दिन हम लोगों ने रिलैक्स किया था। तो ये था मेरा आज का छोटा सा जो है व्लॉग, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय, कमेंट करते रहिएगा, और मेरे इंस्टाग्राम आईडी है इंडिया व्लॉग मनीषा, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।